अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एचआर किचन एंड गार्डनिंग। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अंडे आलू, अंडे आलू का सालन। ये बहुत ही टेस्टी होता है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडे तो गर्म होते ही हैं, आपको पता ही होगा, और ये हमारी सर्दियों में हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडे आलू का सालन ये बहुत ही टेस्टी होता है, आपने पहले भी कई बार खाया होगा। आइए चलते हैं, हमारे स्टाइल में बना बना के देखते हैं एक बार। देखिए, मैंने अंडे ले लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, और मैंने आलू थे वो, और ये अंडे हैं, इन दोनों चीजों को मैंने बॉईल कर लिया है, और ये असली अंडे मैंने लिए हैं। आप तो जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। हाँ, मैंने इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है, और मैं इसको कोच ले रही हूँ एक फोक की सहायता से, ताकि जो मैं जब मैं इसको फ्राई करूंगी तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, इसलिए मैं इसको अच्छे से कोच लूंगी। मैंने आलूओं को भी फोक से कोच लिया है, ठीक है। आइए चलते हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब मैं फ्राई करूंगी तो ये सारे अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ऑयल को गर्म होने दूंगी। ये देखिए, ऑयल को गर्म होने दूंगी। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें धुआं निकलने लगा है। मैं इसमें वन बाई वन करके अपने अंडे ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने सारे अंडों को ऐड कर दिया है। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। जब तक हमारे ये अंडे गोल्डन ब्राउन हो जाते, इसमें मैं आलू भी डाल दूंगी, अपने आलूओं को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये देखिए, हमारे अंडे अंडों का कलर बदलने लगा है। इस तरीके से हम अपने आलूओं को भी चेक कर लेते हैं, आलूओं का भी हमारा कलर बदलने लगा है। ये देखिए, ये हमारे आलू हमारे सिक चुके हैं, मैं इनको निकाल लूंगी एक प्लेट में। ये देखिए, मैंने आलू निकाल लिए हैं। इसी तरह से मैं अंडों को भी निकाल लूंगी थोड़ी देर सेक के। हाँ, ये देखिए, हमारे अंडे भी सेक चुके हैं अच्छे से, और मैं इनको भी वन बाई वन करके निकाल लूंगी। ये देखिए, मैंने अपने अंडों को भी निकाल लिया है। अब चलिए, आइए इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ मैंने एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है, उसको मैंने कट कर लिया था, और यहाँ मैंने धनिया लिए हैं, तो 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ मैंने दही लिया है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और मैंने लिया है 1.5 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। यह मैंने प्याज उस सेम पैन लिया है, उसका ऑयल गर्म था मेरा, और मैंने उसमें प्याज डाल दी है। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये देखिए, यह हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें दही अपना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि इसको जो अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं, अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूंगी सारे। गाइस, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है बनने में, और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत लाजवाब। ये देखिए, मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी है। ये देखिए, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, अच्छे से चलाऊंगी और अच्छे से भून लूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये देखिए, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये देखिए, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए, हमारे मसाले भूनने लगे हैं, ऑयल रिमूव करने लगे हैं। ये देखिए, ऑयल छोड़ने लगे हैं ये हमारे मसाले, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं 2 मिनट इसकी लिड लगा कर रख दूंगी, और इसको 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। ये देखिए, मैंने खोल लिया है, हमारा ऑयल सरफेस पे आने लगा है। अब मैं इसको गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी, और इसको भूनूंगी अच्छे से। जब हमारा मसाला भून जाएगा, फिर मैं इसमें दही ऐड करूंगी।
ये देखिए, अब दही डालकर मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो दही है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए, मैं इसकी लेट लगा दूंगी और 2 से 3 मिनट तक मैं और पकाऊंगी इसको। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है अच्छे से और इसका इसने ऑयल बिल्कुल से छोड़ दिया है, तो इसे हाई फ्लेम पे मैं इसको और भून लेती हूँ ताकि जो इसमें पानी है वो सारा पक जाए, मॉइस्चर खत्म हो जाए इसमें बिल्कुल से। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे मसाला अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी, 1/4 चम्मच। ये देखिए, मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें अपने अंडे और आलू दोनों ही चीजें मिक्स करूंगी वन बाई वन करके। देखिए, मैंने इसमें अंडे और आलू दोनों चीजें डाल दी है। अब मैं इसको और अच्छे से भूनूंगी थोड़ी देर ताकि हमारे अंडे और आलू में जो मसाले का टेस्ट है, फ्लेवर, वो अच्छे से आ जाए। और इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर तक के लिए भूनूंगी ताकि सारे अंडे और आलू में इसका फ्लेवर अब्सर्व कर ले अंडे आलू हमारे। ये देखिए, हमारे मसाला भूनने लगे हैं, आप देख सकते हैं हमारे मसाले भूनने लगे हैं और हमारे ये जो अंडे आलू हैं, अंडे हैं और आलू हैं, इसका कलर भी बदलने लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ग्रेवी बनाने के लिए। आपको जैसी ग्रेवी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 3 से 2 मिर्ची, जिसको मैंने 4 पार्ट में कट कर लिया था, और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं इसको बॉइल्ड आने तक पकाऊंगी, बॉइल्ड आने तक, जब तक हमारा बॉइल्ड आ जाएगा। ये देखिए, हमारे अंडे आलू रेडी हो चुके हैं लगभग, आप देख सकते हैं हमारा अंडे आलू रेडी है। अब मैं इसमें बॉइल्ड आने दूंगी और इसको फिर मैं इसकी लिड लगा के 2 से 3 मिनट तक रख दूंगी ताकि जो इसका ऑयल है अच्छे से सरफेस पे आ जाए। ये देखिए, देखते, मैंने इसको लिड लगा दी है, 2-1 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। देख सकते हैं हमारे अंडे आलू रेडी हैं। अंडे आलू का सालन ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी हमारा अंडे आलू बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसको बनाएंगे, आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही गर्म होता है और सर्दियों में आपको जरूर खाना चाहिए ये एक दो बार। सर्दियों में, सॉरी, सर्दियों में आपको जरूर खाना चाहिए इसको, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इसका कितना अच्छा टेक्सचर है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। आइए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा अंडे आलू का सालन रेडी है, ये कितना टेस्टी बना हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस, कितना टेस्टी है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितना अच्छा कलर है, ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी रेसिपी को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।